मोर्चे कन्वेंशन करेंगे, विपक्ष के नेताओं से मिलेंगे और आज हम लोग सठियाला गांव में खड़े हैं अमृतसर के। आने वाले समय में शंभू में बड़े से बड़ा यहां से जथा अमृतसर के जो 20 अगस्त को जाएगा उसकी तैयारी कर रहे हैं। किसान आंदोलन की आहट को देखते हुए आज हरियाणा सरकार हरियाणा के किसान संगठनों से चंडीगढ़ में बातचीत कर रही है। इस बैठक में कोई भी पंजाब का किसान नहीं शामिल है। सरकार के प्रधान सचिव राजेश खुल्लर किसानों के साथ बैठक कर रहे हैं। बैठक में एसकेएम के बैनर तले हरियाणा के किसान संगठन पहुंचे हैं और अपनी मांगों को सरकार के सामने रख रहे हैं। बताया जा रहा है कि बैठक में कई मुद्दों पर बातचीत हो रही है। किसानों की मांग है कि एमएसपी कानून बनाया जाए और शंभू और खनौरी बॉर्डर का रास्ता खोला जाए। लेकिन इसी बीच किसान नेता सरवन सिंह पंधेर का भी बयान सामने आता है, जिसमें उन्होंने कहा कि जो ये बात चल रही है कि हरियाणा सरकार बॉर्डर खोलने के लिए किसानों से बातचीत कर रही है तो ऐसा नहीं है, वो इस बात की पुष्टि नहीं करते हैं। सुनिए। मैं सरवन सिंह पंधेर, किसान मजदूर संघर्ष कमेटी पंजाब से, जो प्रचार माध्यमों से ज्ञात हुआ है कि शंभू बॉर्डर खोलने के लिए हरियाणा सरकार बात कर रही है, हम उस बात को स्पष्ट करना चाहते हैं कि हमारे दो फोरमों से इस तरह की कोई भी बात चल नहीं रही है। ये कहां से बात आ रही है इसकी हम पुष्टि नहीं करते हैं। जहां तक हमारे दो फोरमों के आंदोलन का सवाल है, ये आंदोलन देशव्यापी है, देश के सभी किसान मजदूर के लिए मांगों पर निर्भर है। एमएसपी लीगल गारंटी कानून C250 के अनुसार फसलों के दाम अथवा जो किसान मजदूर की कर्ज माफी है और अन्य मांगे हैं, ये देशव्यापी हैं। हम देखते रहे हैं सुनील जाखड़ जी अकेले पंजाब का मसला बनाने की कोशिश करते रहे हैं। हमने ये भी देखा कि हरियाणा सरकार अकेले हरियाणा का मसला बनाने की कोशिश करती रही है। तो इस तरह का इस आंदोलन का कोई भी निशाना नहीं है, तो ये किसी राज्य का विषय है। हाँ, आप जानते होंगे जो अभी केंद्र अथवा हरियाणा सरकार जो दोषी कर्म पुलिस अधिकारी हैं जिसको सम्मान करने जा रही है, जिस तरह से जलियांवाला बाग में जनरल एडवायर को अंग्रेजों ने सम्मानित किया था, अब जिन्होंने किसानों मजदूरों पर ऊपर जुल्म किया, जबर ढाया, उनको सम्मान करने का फैसला किया। अब यह प्रचार माध्यम में पूरी स्पीड पकड़ रहा है, किसान मजदूर का आंदोलन पूरी जोर से चल रहा है। अब आने वाले समय में ये मानसून सेशन शुरू हो रहा है, उसको डीरेल करने के लिए हरियाणा सरकार जतन करेगी कि इस तरह की कोई कार्रवाई हो जिससे ये मुद्दे जो डीरेल हो। और हम देखते थे जब कृषि कानूनों का मुद्दा था तो अपनी कुछ इस तरह की यूनियन खड़ी करके उसको हक में भी प्रचार करते रहे हैं। यहां पर भी इस तरह का कुछ जतन करने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। तो कल दिल्ली में दोनों मोर्चे कन्वेंशन करेंगे, विपक्ष के नेताओं से मिलेंगे और आज हम लोग सठियाला गांव में खड़े हैं अमृतसर के। आने वाले समय में शंभू में बड़े से बड़ा यहां से जथा अमृतसर के जो 20 अगस्त को जाएगा उसकी तैयारी कर रहे हैं। बता दें कि पंजाब के किसान संगठन शंभू और खनौरी बॉर्डर पर बैठे हैं और दिल्ली कूच की तैयारी में जुटे हैं। वहीं हरियाणा के किसान संगठनों की भी मांगे लंबित हैं, वह भी आंदोलन करते आए हैं। यदि हरियाणा के किसान संगठनों ने भी आंदोलन की राह पकड़ ली तो हरियाणा सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव करीब है। यह भी बता दें कि पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने शंभू बॉर्डर को खोलने का आदेश दिया था, जिसके बाद से किसानों ने दिल्ली जाने की तैयारी शुरू कर रखी है। इसके इधर हरियाणा सरकार भी सुप्रीम कोर्ट पहुंची है, लेकिन साथ ही किसान नेताओं को भी बातचीत के लिए चंडीगढ़ बुला लिया गया है। कल सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना है, लेकिन उससे पहले ही हरियाणा सरकार किसानों से बातचीत कर रही है। ऐसे में अब देखना होगा कि आज की इस बैठक में क्या कुछ हल निकल कर सामने आता है। चंडीगढ़ से चंद्रशेखर धनरी, पंजाब केसरी टीवी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।